सवाल है जी इश्तहाद के बारे में. इब्न तैमिया ने कहा है कि द गेट्स ऑफ इश्तहाद आर क्लोज्ड. सम से सिंस मुस्लिम्स आर इन द ईरा ऑफ ब्लाइंड तकलीद देयरफॉर वी आर इन अ पोजीशन ऑफ डेकेडेंस. एनी कमेंट्स? देखिए बात यह है कि तहकीक गौर व फिक्र यही इल्म की तरक्की का ज़रिया है. ये तहकीक तबई उलूम में जिनको आप साइंसी उलूम कहते हैं उनमें भी होती रहनी चाहिए. अगर अरिस्तू के बाद लोग ये फैसला कर लेते और हज़ार साल तक खैर लोगों ने फैसला किए रखा कि हम गौर नहीं करेंगे. अरिस्तू ने कहा था कि औरतों के मुंह में मर्दों से कम दांत होते, और किसी ने कभी औरत का मुंह खोल के नहीं देखा कि वाकई ऐसा होता है. हज़ार साल के बाद लोगों को ख्याल हुआ कि गिन के देख तो ले, तो मालूम हुआ पूरे ही थे, इफ नॉट मोर. तो इस वजह से इल्म का रास्ता ही ये है कि आप इज्तिहाद करें, आप तहकीक करें, आप हर ताबीर का जायज़ा लें. मुसलमानों के यहाँ ये जो जमूद पैदा हुआ है ये मुसलमानों को ले डूबा है. यानी हमारे यहाँ तहकीक गौर व फिक्र इसका दरवाज़ा बंद करने ही से ज़वाल हुआ है. हकीकत में अल्लामा इकबाल ने एक बहुत खूबसूरत मिसरा कहा है मुसलमानों के बारे में कि कुश्ताए सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी. मुसलमानों की पूरी तारीख उन्होंने इसमें समेट दी है कि मुसलमानों का हाल ये है कि इनको हुकूमत मिली तो सुल्तान बन गए, लिहाजा पूरी कौम को महकूम बना लिया गया. ये बेचारे अपनी इस्लाह करने के लिए गए तो पीर बन गए, आने वालों को मुरीद बना लिया गया. और इन्होंने चाहा कि ये दीन सीखें तो मुल्लाओं ने बजाय इसके कि इनको दीन बता के इनके अंदर दीन को समझने का जज्बा पैदा करते इनको मुकल्लद बना दिया. तो नतीजा उसका ये निकला कि गौर व फिक्र करना, तहकीक करना, समझने की कोशिश करना, इसका दरवाज़ा बंद हो गया. ये दरवाज़ा खोलना ज़रूरी है. और जब तक हम दीन के मामले में, दुनियावी उलूम के मामले में सवाल नहीं करने देंगे, गौर व फिक्र का रास्ता नहीं खोलेंगे, उस वक्त तक इल्म आगे नहीं बढ़ेगा. इल्म के मामले में ये बात समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर हज़ार साल तक भी आप मुशाहिदा नहीं करेंगे तो एक नहायत ही गैर माकूल बात को मानते रहेंगे. तो उसके बाद जब दुनिया ने दरवाज़ा खोला तो न्यूटन, आइंस्टाइन, दुनिया की नई दुनिया एक पैदा होनी शुरू हो गई. दीन के इल्म में भी ये ज़रूरी है, क्योंकि दीन तो अल्लाह का दीन है, उसमें कोई कमी या बेशी नहीं कर सकता. लेकिन दीन को समझने का अमल इंसानों ने किया है. तो जो रिलीजियस थॉट है, मजहबी फिक्र है, वो हमेशा नज़रसानी का तकाजा करता है, क्योंकि वो इंसानों का अमल होता है. इसी वजह से आपके इलम में है कि इकबाल ने अपने खुतबात का नाम रखा था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. यानी मुसलमानों के मजहबी फिक्र को रिफॉर्मेशन और रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है. तो ये तो एक नागुज़ीर काम है, हवा और पानी की तरह हमारी ज़रूरत है, और मैंने इसी काम को अंजाम देने की कोशिश की.